26 साल पहले 1998 सितंबर का महीना बीतने को था। राजस्थान के जोधपुर में फिल्म हम साथ साथ है की शूटिंग चल रही थी। तभी रात 9 बजे सफेद जिप्सी की रोशनी चमकी। गांव वाले ने फौरन अंदाजा लगा लिया कि शिकारी काले हिरण की तलाश में है। जब तक वो कुछ कर पाते तब तक गोली चलने की आवाज आई। गांव वाले उस तरफ भागे जहां से आवाज आई थी। पास पहुंचे तो जिप्सी को तेजी से वहां से भागते देखा। कुछ नौजवानों ने जिप्सी का पीछा भी किया लेकिन वो भागने में कामयाब रहे। अगले दिन अखबार में एक चश्मदीद के हवाले से इस घटना की खबर छपी। चश्मदीद ने दावा किया कि उसने भागती हुई जिप्सी में बैठे सलमान खान को पहचान लिया। इसके बाद तो भैया बवाल मच गया। मामले की छानबीन शुरू हुई और वन विभाग की टीम घोड़ा फार्म पहुंच गई, जहां सलमान समेत हम साथ साथ के क्रू मेंबर ठहरे थे। वहां से काले हिरण के अवशेष मिले। इसके बाद 2 अक्टूबर को बिश्नोई समाज ने इस मामले में सलमान खान के खिलाफ पहली FIR दर्ज कराई। फिर 4 और मामले दर्ज हुए। सलमान खान की गिरफ्तारी हुई और उन्हें जेल जाना पड़ा। आज जनता के सामने एक बार ये बताएं कि आखिर किस्सा क्या था, हुआ। इस केस को लड़ेंगे मेरिट पर कोर्ट में और जीतेंगे कोर्ट में, क्योंकि सर केस ही नहीं। सलमान भाई की तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। मैं माफ कर दो भैया, मैं ये लो लो भाई। कैसे आप माफी चाहते हैं? सर हमारे बिश्नोइयों का मंदिर है मुकाम, मुक्तिधाम मुकाम एक मंदिर है हमारे बिश्नोइयों का, बस वहां जाके हमारे मंदिर में जाके माफी मांग। बिश्नोई समाज ने सलमान खान से पूरे मामले पर समाज के सामने माफी मांगने की शर्त रखी। कहा कि वो बीकानेर के बिश्नोई समाज का मुख्य मंदिर पर आकर समाज के बुजुर्गों के सामने अपनी गलती स्वीकार कर लें, तब उन्हें माफ करने पर विचार किया जा सकता है। सलमान ने ना तो माफी मांगी और ना ही बिश्नोई समाज ने उन्हें माफ किया। साल 2018 में पहली बार सलमान खान और काले हिरण के केस में लारस बिश्नोई की एंट्री हुई, जिसने तब तक अपराध की दुनिया में ठीक ठाक नाम कमा लिया था। बिश्नोई समाज से आने वाले लारस बिश्नोई ने ऐलान किया कि काले हिरण के शिकार के लिए वो सलमान खान से बदला लेकर रहेंगे और उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। जब हम करेंगे तो पता लग ही जाएगा, सलमान खान का करेंगे मारेंगे ही जाएंगे, जोधपुर में मारेंगे तो पता लग जाएगा। साल 2022 में सिंगर सिद्धू मूसेवाले मर्डर केस में लारेंस का नाम आया, तब से वो जेल में बंद है, लेकिन सलमान खान को नहीं भूला। सलमान पर हमला करवा चुका है, यहाँ तक कि उनके पिता सलीम खान को भी धमकी दे चुका है। बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी लारेंस बिश्नोई के गैंग ने ली है। लारेंस बिश्नोई गैंग ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर करते हुए बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली। अपनी इस पोस्ट में उन्होंने लिखा, जो भी कोई सलमान खान की हेल्प करेगा वो अपना हिसाब किताब लगा कर रखे। अब आपको बता दें कि 12 अक्टूबर की रात को बाबा सिद्दीकी पर 3 शूटरों द्वारा हमला किया गया था। तीनों शूटरों ने 6 राउंड फायरिंग की थी, जिसमें एक गोली सिद्दीकी के सीने में लगी। इसके बाद इलाज के लिए उन्हें लीलावती अस्पताल में भर्ती कराया गया, लेकिन उनकी जान नहीं बच सकी। आपको बता दें कि केवल राजनीति ही नहीं बल्कि बॉलीवुड जगत में बाबा सिद्दीकी काफी मशहूर थे। बाबा सिद्दीकी ने सलमान खान और शाहरुख खान के बीच सुलह कराई थी, इस वजह से उनका इस तरह से जाना राजनीति के लिए ही नहीं बल्कि बॉलीवुड के लिए भी बड़ा क्षति है। अगर मैं सिद्धू मूसेवाले मर्डर की बात करूं तो 29 मई 2022 सरेआम हत्या कर दी गई थी। उनकी गाड़ी को करीब 20 लोग घेरकर अंधाधुंध गोलियां चलाई। इस मर्डर की जिम्मेदारी भी लारेंस बिश्नोई और गोल्डी बरार गैंग ने ली। बाबा सिद्दीकी की हत्या जिस 9.9 mm पिस्टल से हुई वो अपराधियों की पसंदीदा मानी जाती है। ये इतनी पावरफुल है कि बुलेट प्रूफ कांच को भेदने तक तन को भेद नहीं करेगी। लारेंस बिश्नोई का गैंग शूटर को जिस तरह भर्ती कराता है उसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला से लेकर NCP नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या में जो शूटर गिरफ्तार हुए उनमें से कई का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड ही नहीं था, हालांकि उनका लिंक लारेंस बिश्नोई गैंग से था। लारेंस बिश्नोई जुर्म की दुनिया का एक ऐसा नाम है जिसे सोशल मीडिया पर लाखों युवा फॉलो करते हैं। लारेंस बिश्नोई की हजारों वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड है। वो गैंग में ऐसे शूटर को भर्ती कराता है जिन्होंने जुर्म की दुनिया में पहली बार कदम रखा है। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में शामिल नाबालिग शूटर जिसने मूसेवाले के शरीर में 6 गोलियां उतारी थी, उस नाबालिग ने भी जुर्म की दुनिया में पहली बार हत्या की। लारेंस बिश्नोई के गैंग में देश के दर्जन भर राज्यों में 2000 से भी ज्यादा शूटर्स हैं, जिसमें से अधिकतर का तो मामले क्रिमिनल रिकॉर्ड है। लारेंस बिश्नोई और विदेश में बैठा उसका खास गोल्डी बराड कारपोरेटर कंपनी की तरह काम करते हैं। ये किसी इंक्रिप्टेड ऐप के जरिए बात करते हैं और फिर ये अलग अलग राज्यों और शहरों में रिक्रूटर से बात करते हैं। रिक्रूटर शूटरों की भर्ती करते हैं, जबकि वारदात के लिए रेकी भी अलग लोग करते हैं। शूटर्स को लॉजिस्टिक जैसे कार और हथियार सप्लाई अलग लोग करते हैं। वारदात के बाद कहाँ छिपना है
इसका भी गैंग के अलग सदस्य इंतजाम करते हैं। इतना ही नहीं, एक लीगल टीम भी होती है जो मुश्किल वक्त में कानूनी मदद मुहैया कराती है। पूरे प्रोसेस में खास बात यह है कि हत्याकांड में हथियार सप्लाई करने वालों से लेकर दूसरे लॉजिस्टिक सप्लाई करने वालों को एक दूसरे की जानकारी भी नहीं दी जाती, जो गैंग के लिए जबरन उगाही और कत्ल जैसे संगीन वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। गैंग जब भी किसी मर्डर को अंजाम देती है तो सोशल मीडिया पर पोस्ट करके उसकी जिम्मेदारी लेती है। गैंग की कमाई का बड़ा हिस्सा उगाही, ड्रग्स और फरौती से आता है। जांच एजेंसियों की माने तो विदेश में वर्चस्व को बढ़ाने के लिए कई आतंकी संगठनों से भी हाथ मिलाया है। फंडिंग के लिए उनके इशारे पर पंजाब में कई बड़े वारदाताओं को अंजाम भी दिया। लॉरेंस बिश्नोई की पूरी कहानी जानने के लिए स्क्रीन के दाई तरफ वाले वीडियो पर क्लिक करके देख सकते।